हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। इससे पहले हम स्कोटके डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड नॉन स्टिक्योमेट्रिक में मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की हम बात कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियोज नहीं देखी है तो आई बटन या एंड स्क्रीन पर जाके इन वीडियोज को आप देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी स्टूडेंट दो टाइप से होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड के ऊपर, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड, जिसमें हम एन टाइप और पी टाइप की बात करेंगे। तो बात करते हैं स्टूडेंट इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। तो जब हम आयनिक सॉलिड की बात स्टूडेंट करते हैं, पहली बात हम समझते हैं कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट को और क्या बोलते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट के लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, डोपिंग। कई बार वन मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है डिफाइन डोपिंग। तो डोपिंग क्या है? एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इन क्रिस्टेलाइन सॉलिड इज कॉल्ड डोपिंग। तो जब हम इम्प्योरिटी को एड करते हैं किसी क्रिस्टेलाइन सॉलिड के अंदर जो प्योर है, उसको हम क्या बोलते हैं? डोपिंग। आयनिक सॉलिड के अंदर इम्प्योरिटी जो ऐड की जाती है, हम सपोज करिए हमारे पास NaCl है मोल्टन स्टेट में, और उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड कर दिया, और जब ये कूल होगा स्टूडेंट तो क्या होगा, कुछ सोडियम आयन को स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आयन रिप्लेस कर देगा। स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आयन सोडियम आयन को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। सपोज करिए मैंने कहा कि ये स्ट्रोंशियम आयन इस सोडियम आयन को रिप्लेस करता है, इस सोडियम आयन की जगह आके ये स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आयन फिट हो गया। मगर अगर ऐसा होता है तो मैंने आपको, जितनी भी आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, तो उनमें मैंने आपको कहा है कि चाहे किसी भी टाइप का डिफेक्ट हो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वन स्ट्रोंशियम आयन, अगर ये स्ट्रोंशियम आयन यहाँ पे लग जाता है तो नेट पे चार्ज क्या हो जाएगा स्टूडेंट? +1। जबकि मैंने आपको बताया था चाहे किसी भी टाइप का डिफेक्ट हो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। तो इसलिए एक स्ट्रोंशियम आयन क्या करेगा स्टूडेंट? 2 सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा, रिप्लेस 2 सोडियम आयन। वन वैकेंसी को तो स्ट्रोंशियम आयन खुद ऑक्यूपाई कर लेगा, और एक जगह क्या क्रिएट कर देगा? वैकेंसी क्रिएट कर देगा। कौन सी वैकेंसी क्रिएट कर देगा? क्योंकि कैटायन मिस हुआ है तो हम इस जगह को क्या बोलेंगे? कैटायन वैकेंसी। क्या बोलेंगे? कैटायन वैकेंसी। तो कहने का मतलब है कि अगर एक स्ट्रोंशियम क्लोराइड का मोलिक्यूल मैं डालता हूं NaCl क्रिस्टल के अंदर, तो एक कैटायन वैकेंसी क्रिएट होती है। यहां पे ये पॉइंट समझने वाला है, और इसी के बेस पे मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल भी मेंशन कर रखे हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो हुआ क्या स्टूडेंट, अगर मैंने एक स्ट्रोंशियम क्लोराइड का मोलिक्यूल NaCl आयनिक क्रिस्टल में डाला तो एक कैटायन वैकेंसी क्रिएट होगी। अब इसी तरह अगर मैं कहता हूं मैंने 10 स्ट्रोंशियम क्लोराइड मोलिक्यूल ऐड किए तो कितनी कैटायन वैकेंसी क्रिएट होंगी? आपकी नहीं सर, 10 क्रिएट होंगी। तो क्वेश्चन आपका है, इफ NaCl इज डोप्ड विद 10^-3 मोर % स्ट्रोंशियम क्लोराइड, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज? तो कितनी कैटायन वैकेंसीज होंगी ये हमें क्या है, कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट बात करते हैं कैसे करेंगे न्यूमेरिकल। NCERT का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अपने आप में, CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या करेंगे स्टूडेंट हम, देखिए ध्यान से। अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक स्ट्रोंशियम क्लोराइड में डालता हूं NaCl क्रिस्टल में तो एक कैटायन वैकेंसी क्रिएट होगी, एक कैटायन वैकेंसी क्या होगी? क्रिएट होगी। अब हमारे पास कितने स्ट्रोंशियम क्लोराइड है? वो कह रहे हैं 10^-3 मोर % ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड, और इसी को मैं क्या कह सकता हूं, 10^-3 अपॉन 100 मोल ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड, या फिर मैं इसी को कह सकता हूं 10^-5। और ये मोल को जब मैं मोलिक आयंस में, जैसे अगर मैं स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आयन और 2 Cl नेगेटिव, अगर एक मोल मेरे पास अगर स्ट्रोंशियम क्लोराइड है और मैं आपसे पूछूं कितने स्ट्रोंशियम आयन प्रेजेंट है, तो आप कहेंगे 6.02 × 10^23 स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव आयन। और अगर मैं क्लोरीन आयन की बात करूं तो 2 × 6.02 × 10^23 क्लोरीन आयन। तो ये मोल का कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। अगर एक मोल स्ट्रोंशियम क्लोराइड डाल रहा हूं तो इतने स्ट्रोंशियम आयन आप एड कर दें, तो 10^-3 × 6.02
10 की पावर 23 स्ट्रोंशियम आयन आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक स्ट्रोंशियम आयन से एक कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो रही है, तो इतने स्ट्रोंशियम आयन से स्टूडेंट कितनी कैटायन वैकेंसी क्रिएट होंगी, देन यू से 6.02 10 की पावर 18 कैटायन वैकेंसी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6.02 10 की पावर 18। तो आपने देखा बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल बड़े इजी हो जाएंगे। इसी तरह एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम बात करें कि वन मोल AgCl है, हमने इसके अंदर डोपिंग की किसकी, कैडमियम क्लोराइड की, तो क्या होगा। सेम जैसे स्ट्रोंशियम क्लोराइड को ऐड किया NaCl में तो एक कैटायन वैकेंसी क्रिएट की, इसी तरह ऐड कैडमियम क्लोराइड को AgCl में करेंगे तो एक क्या हो जाएगा, कैटायन वैकेंसी क्रिएट होगी। मगर अगला क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल, ऑल इंडिया PMT में न्यूमेरिकल आ चुका है स्टूडेंट। क्या है ये क्वेश्चन, वो कहता है इफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव रिप्लेस सोडियम आयन एट द एड सेंटर ऑफ NaCl दैट इज, देन कैलकुलेट द वैकेंसीज इन 1 मोल ऑफ NaCl। अब यहां पे दो चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि हमें पहली बात तो NaCl का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि NaCl के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, मैं पिछली वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि NaCl के अंदर जो सोडियम आयन है स्टूडेंट ये कहां पे लाई करता है, तो आप कहेंगे सर ये एड के सेंटर पे लाई करता है और बॉडी सेंटर पे लाई करता है। वैसे हमें रिक्वायरमेंट नहीं है सीएल की, मगर आपको पता होना चाहिए सीएल नेगेटिव कहां लाई करेगा, FCC यानी कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर से। मगर हमें सीएल नेगेटिव आयन से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमारा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा। तो सबसे पहला काम है हमें सोडियम आयन की बात करना। तो अगर एक यूनिट सेल में अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ सोडियम आयन कितने होंगे स्टूडेंट, तो आप कहेंगे सर एड सेंटर है तो एड के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन होती है 1/4 और टोटल एड मेरे पास है 12 और बॉडी सेंटर में अगर कोई है उसका अलग कॉन्ट्रीब्यूशन 1 होता है, बॉडी के सेंटर पे एक ही सोडियम आयन है तो टोटल जो मेरे पास सोडियम आयन बनेंगे वो बनेंगे 4। कहने का क्या मतलब है कि NaCl की एक लैटिस के अंदर 4 सोडियम आयन है। मगर हमारा क्वेश्चन क्या, जरा ध्यान से देखिए कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव रिप्लेसेस सोडियम आयन एट द एड सेंटर, कि केवल जो एड सेंटर पे सोडियम आयन है उन्हीं को रिप्लेस करेगा। तो एड सेंटर पे बेटा सोडियम आयन कितने, आप ध्यान से देखिए तो 3, यानी अगर 4 सोडियम आयन में से केवल 3 सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा, ठीक है ना, 4 सोडियम आयन में से 3 सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा। इस लाइन को भी हम यूज करेंगे, यानी आउट ऑफ 4 सोडियम आयन 3 सोडियम आयन रिप्लेस, ये पॉइंट याद करने वाला है। अब आप कहें सर ये पॉइंट क्यों बोला है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन है वो 1 मोल NaCl दिया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयन कितने हो गए स्टूडेंट, तो आप कहेंगे सर टोटल नंबर ऑफ सोडियम, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैं इसको रब करने जा रहा हूं। तो आप कहेंगे सर कि हम क्या करेंगे, 1 मोल अगर NaCl है मेरे पास तो स्टूडेंट कितने मोल सोडियम आयन होंगे, 6.02 10 की पावर 23 सोडियम आयन। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर 4 सोडियम आयन है तो 3 सोडियम आयन रिप्लेस करेगा, और अगर इतने सोडियम आयन हैं तो कितने सोडियम आयन रिप्लेस होंगे, तो हम कहेंगे आउट ऑफ 6.02 10 की पावर 23 सोडियम आयन रिप्लेसेबल सोडियम आयन कितने हैं, तो हम कहेंगे सर 4 में से 3 है तो इसमें से कितना होगा, तो 3/4 इंटू 6.02 10 की पावर 23। अब इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये 18/4 इंटू 10 की पावर 23, और इसी को हम सोल्व करेंगे तो क्या आ रहेगा स्टूडेंट, 4/5 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम आयन। तो यानी एक्चुअल में मेरे पास जो 1 मोल NaCl है उसमें इतने सोडियम आयन जो है रिप्लेसेबल हैं बाय एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट और आता है स्टूडेंट कि अगर एक एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव कितने सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा, ध्यान से देखना, एक एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 3 सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा,
आप बताइए क्यों? क्योंकि इस पे नेट चार्ज क्या है? प्लस थ्री। तो प्लस थ्री चार्ज यहाँ पे करने के लिए कितने सोडियम आयन प्लेस करेगा? थ्री। आउट ऑफ विच वन पोजिशन ऑक्यूपाई बाय एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव, यानी तीन सोडियम में से एक एल्यूमिनियम पॉजिटिव है तो तीन सोडियम में से एक पोजिशन को ऑक्यूपाई करेगा। कितनी कैटायन वैकेंसीज क्रिएट होंगी? दो। टू कैटायन वैकेंसीज क्रिएट। तो कहने का क्या मतलब है बेटा, एक एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव दो कैटायन वैकेंसी क्रिएट करेगा। अब वो क्या कह रहा है दोबारा एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव रिप्लेसेस सोडियम आयन एट द एट सेंटर ऑफ NaCl दैट इज, देन कैलकुलेट द वैकेंसीज इन वन मोल ऑफ NaCl। तो कितनी वैकेंसीज क्रिएट होंगी ये मुझे निकालना है। ध्यान से देखिए बेटा, एक एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव दो कैटायन वैकेंसी क्रिएट करेगा। क्लियर है? अब मेरे पास टोटल सोडियम आयन इतने हैं, इनमें से मगर केवल क्या है, अगर थ्री सोडियम आयन थे तो दो कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो रही थी, अगर इतने सोडियम आयन है तो कितनी कैटायन वैकेंसी क्रिएट होगी आप निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे कि थ्री सोडियम आयन प्रोड्यूस, ये रेड से शायद आपको ना क्लियर हो, थ्री सोडियम आयन प्रोड्यूस टू कैटायन वैकेंसी। तो हमारे पास सोडियम कितने आयन कितने आए थे जो भी हमने कैलकुलेट किए थे स्टूडेंट, ये तो इतने 4.5 × 10³ सोडियम आयन प्रोड्यूस कैटायन वैकेंसी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो आप कहेंगे सर 2/3 × 4.5 × 10³। और इससे आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 10³ कैटायन वैकेंसीज, जो कि आपका आंसर है। तो मैंने काफी डिटेल में एक एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। इस टाइप के और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और आपको अगर किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी फील होती है उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट बाय कोवलेंट सॉलिड, और एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसकी भी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।